हमारे तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम, ढेरों दुआएं और बहुत सारा प्यार, और आप सब अल्लाह ताला आपको हर बला से, हर बीमारी से महफूज रखे और इसी तरह से सेहतमंद रहें, तवाना रहें। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम आपके लिए ला रहे हैं मज़ेदार सी रेसिपीज़, और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सी डिश, दम का कीमा बनाने वाले हैं। और जब भी हमारे घर में ये बनता है, इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार होता है कि बस सब कहते हैं कि आज कम बनाए। तो आइए चले शुरू करते हैं बनाना। ये कीमा लिया है हमने, और इसको कीमा खुद पीसा है, और ये हमने गोश्त ले लिया था आधा किलो से ज़्यादा, हाफ के जी से ज़्यादा है थोड़ा, और ये हमने ले लिया था बगैर चिकनाई का कीमा बनाया है हमने। और इसके बाद ये हमने यहाँ पर थोड़े से बादाम लिए हैं, आई थिंक 6 बादाम हैं, और ये सिर्फ गार्निश के लिए। हमने यहाँ पे तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच जो है ये उबले हुए चने ले लिए हैं भुने हुए, 2 चम्मच हमने साबित धनिया ले लिया है, नमक हसबे ज़ायका ले लें आप जितना पसंद करते हैं, और मैंने यहाँ 1 टीस्पून लिया है भर के। हल्दी ले लीजिए, हल्दी जो है वो 1/2 टीस्पून ली है, और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भर के जो है वो लाल मिर्च ली है। इसके बाद हमें चाहिए होगा ये साबित लाल मिर्चें हमने लिए, और ये तकरीबन आप 3 से 4 ले लें, मेरे पास छोटी थी तो मैंने 5-6 ले लें। हमें चाहिए होगा यहाँ पे कचरी पाउडर, वो मैंने लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून, भर के नहीं लेना है, बस 2 टेबल स्पून आप ले लीजिए। ये पिसा बाज़ार में आसानी से अवेलेबल हो जाता है, कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी, मैंने भी मंगवा लिया था, इजी मिल गया। यहाँ हमने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, बड़े इम्पॉर्टेंट है ये अदरक जो है वो कीमे के गलाने में और टेस्ट में बड़ा काम आता है, और ये 2 टेबल स्पून लिया है हमने, ठीक है। यहाँ हमने ले लिया है, मेरे पास था भुना हुआ ज़ीरा जो हमने पीस के रखा था मैंने, तो मैंने वही ले लिया है यहाँ पे 1 टेबल स्पून, ठीक है, भर के। यहाँ पे 1 टी स्पून हम गरम मसाला ले लेंगे पिसा हुआ, और इधर आ जाइए, ये हमने दही लिए, हमारे घर की दही है, और खाने भी बड़े मज़े की और टेस्टी होती है, बस हमें ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, और हमने लिए ये तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के ले लिए हमने, ठीक है। हम अपने कुछ मसालों को यहाँ पे हमें भूनना होता है, ज़ीरा भी हमें भूनना होता है, लेकिन मेरे पास ज़ीरा भुना हुआ था तो मैंने नहीं लिया है। यहाँ हम ऐसा करेंगे कि अपने जो लाल मिर्च तवे पे रख के, थोड़ा हल्का मीडियम आँच पे हमारे रखा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, ठीक है, भून के निकाल देंगे। अच्छा देखिए, अभी हमारी मिर्चें जो हैं ये भुनने लगी हैं, और इसकी हल्की हल्की खुशबू भी आ रही है, और मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लकड़ी का स्पून, वरना प्लास्टिक वाला तो सारा मेल्ट हो जाता था। अच्छा, ये हमने भून लिया है, तो अब हम इसको जो है वो निकाल लेंगे वापस, और ज़रा सा बस आपको खुशबू आने लगे ना, बस फिर निकालेंगे इसको। अब हम इसमें यूज़ करेंगे हमारे पास जो साबित धनिया को, साबित धनिया यूज़ करेंगे,
और इसको भी हमें भूनना है। जब तक बस खुशबू आने लगी इसमें तो हम इसको निकाल लेंगे और इसके बाद फिर हमें इसको पीसना होगा। बस ये हो गया है हमारा, खुशबू आने लगी और बस अब इसको हम निकाल लेंगे। अब कीमा जो है तो वो मैं एक बाउल में निकालूँ और जनाब बाउल में निकाल कर इसमें फिर हम अपने जो हमने पीसा था स्पाइसेस ऐड करेंगे। और बहुत ज़्यादा इसकी खुशबू आ रही थी जब हम लोग पीस रहे थे। रूसा कितनी खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार। चलें अब गवाही भी मिल गई आप लोगों को। तो चलें ये हमने मसाला डाल दिया है इसमें और ये है हमारा कचरी पाउडर, जितने भी मसाले थे वो सब जल्दी जल्दी हम इसमें ऐड कर देंगे। गरम मसाला, ज़ीरा भुना और जनाब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है हमने, नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दिया है और इसके बाद हमने पिसी हुई मिर्च डाल दी है, रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर और ये हमने दही जो ली थी अपनी दही डाल दी, ठीक है। और इसके बाद फिर अब मरहला आएगा कि हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो ग्लव्स वगैरह जो भी है आपके पास, हाथ तो हमारे धुले हुए होते हैं लेकिन इन चीज़ों को यूज़ करने से पहले तो हमें ग्लव्स ज़रूर यूज़ करने चाहिए। तो हम इसको फिर अब सारे मसाले मिक्स करने के बाद और हम इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए जो है हम इसको ढक के रख देंगे और फिर अब चलें मिलते हैं हम आधे घंटे बाद आपसे। अच्छा आधा घंटा हो चुका है, 30 मिनट्स बाद हम इसको देख रहे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह ये बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, बड़ी अच्छी से ये मैरिनेट हो गया है और ज़बरदस्त सा बनने वाला है कुछ। 4 टेबल स्पून ऑयल हमने इसमें डाल दिया है और एक दरमियानी प्याज लेकर हमने चॉप कर ली थी, फ्राई करना है आपको। तो देखिए प्याजें हमारी ये हल्की हल्की लाइट ब्राउन होने लगी हैं और बस इसी तरह की प्याजें चाहिए हमें। और ये अब हम अपना मैरिनेट हुआ हुआ ये कीमा जो है, ये बीफ कीमा लिया था हमने, आप मटन भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, तो ये हमने इसमें शामिल कर दिया है और हल्का सा इसको भूनेंगे। इसके बाद फिर हम इसको हल्की आंच पर रख कर और तकरीबन 15 मिनट्स के लिए हम इसको चूल्हे पर ऐसे ही रहने देंगे बिल्कुल हल्की आंच पर, ठीक है। तो ये अब कीमा हमारा चला गया इसके अंदर, हल्का सा भून गया है और अब हम इसको चलिए देखिए भूनना शुरू हो गया है और हम इसको रख देंगे और पता नहीं बात देंगे और हल्की आँच पर इसको बिल्कुल आराम और सुकून के साथ रखेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर 15 मिनट्स बाद। चल अभी हमारा रेडी हो चुका है और चूल्हा हमने बंद कर दिया है और कोयला एक हमने लेके उसको गर्म कर दिया था, तो इसके कोयले की धुनी लगा देते, इसको ढक देते 2 मिनट। और चले अब हमारे ये देखिए, ये देखें कितना मज़ेदार खूबसूरत और खुशबू तो बस इंतहाई खुशबू महक रही है, वाह 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 ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। और परवरदिगार
आप सबको सलामत रखे, आपकी बच्चियों को सलामत रखे, और वाकई मैं चाहती हूँ कि उनकी खूब घर में तारीफ़ हो, अम्मी अबू तारीफ़ करें, शादीशुदा है तो सब घर वाले वहाँ पे ससुराल वाले तारीफ़ करें। चलें भाई अब हम इसे गार्निश कर देते हैं, और ये हो गए हमारे जनाब बादाम, और इसको आप सजा दें। और ये हमारा हो गया पुदीना, इसको हम ऊपर से छिड़क देंगे। पुदीना है, मिंट लीव्स, और हमारी ये हरी मिर्चें हैं जो वाकई इसके साथ बहुत मज़ेदार लगती हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाइएगा, खुश रहें हमेशा। और हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसके अलावा हमें दुआओं में याद रखें। और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, खुश रहें, हर बला से, हर बीमारी से महफूज रहें आप सब, और अल्लाह हाफिज़।